मैं किसी दूसरे से क्या ही शिकायत करूं, मैंने तो अपनों से धोखा खाया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ सकता था। सर बार बार मुझे विश्वास देती रही कि अरे तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। एंड देन आई मेड दैट प्रॉमिस टू हर कि आई विल, मैं करूंगा। जो भी चीजें हम लोग के हाथ से गई हैं, मैं हर वो चीज आपको वापस ला के दूंगा। एंड टुडे शी इज अ प्राउड मदर। आई रिमेम्बर 13 जून 2021 की वो रात जब मीडिया के माध्यम से ही वो तस्वीरें दिखी थी, जब पार्टी में टूट हुई थी और मेरे पार्टी के 5 सांसद एक साथ स्पीकर साहब के पास गए थे और उन्होंने मुझे पार्टी से अलग करने का ऐलान किया था। और उसके एक के बाद एक सारी चीजें होती गई, परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी। एंड सब उन सभी लोगों के लिए जो 12 जनपद में गए, वो घर चिराग पासवान के लिए क्या मायने रखता है? 34 साल मैं उस घर में रहा हूँ और वो 34 साल की यादें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लोकसभा में 4-5 सीट और विधानसभा में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगेन आई डोंट वांट टू डू। संख्या बोल मत कीजिएगा, नहीं तो गठबंधन उसी संख्या में मान देता है मुझे। नहीं, वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, आई वोंट बाइट मोर देन व्हाट आई कैन च्यू। ये वो बिहार है जहां पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब रहती है सड़कों की कि उसमें एक बाढ़ में या एक बारिश हो तो उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ, यहाँ पे बांध चूहे उधर जाते हैं, ये तमाम उदाहरण आते हैं हम लोग के साथ। शराब चूहे पी जाते हैं। सो द ब्लूप्रिंट दैट आई हैव विद मी कि बिहार में कैसे आप रोजगार को आप बढ़ाएं, बिहार में कैसे बिहार के राजस्व को आप बढ़ाएं, बिहार में कैसे आप प्रति व्यक्ति आए, जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी बिहार के हालात गरीब परिवारों के बेहतर नहीं होंगे। क्या चिराग पासवान को दोबारा ऐसी जरूरत महसूस होगी कि वो ये महसूस करे कि मुझे बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश जी की पार्टी की जगह तो मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। आई हैव टू फर्दर माई ओन कॉज और मुझे अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तो जेडीयू जहां लड़ रही है वहां तो मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। बहुत आई आर यू डूइंग दिस टू मी। क्यों ऐसा कह रहे कि उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है? पहले तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ये उनकी आलोचना है क्योंकि तारीफ होती है। सो माय मॉम वाज ऑन अ वीडियो कॉल विद हिम एंड उसी वक्त चाचा जी से पापा के एक असिस्टेंट ने उनकी बात करवाई एंड पापा वाज रियली एंग्री कि ये क्या चल रहा है पार्टी में, क्या टूट की खबरें और ये सब वो सब। पापा के रहते हुए भी चाचा इस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे और उस समय में मेरे प्रधानमंत्री लिटरली लाइक अ फादर फिगर मेरे परिवार के साथ वो खड़े रहे। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप जानते हैं बिहार को लेकर के एक गणित बहुत तेज है, क्या जो विपक्षी गठबंधन है वो आगे निकल जाएगा या एनडीए जो है जिसको अभी बार बार पलटने के बाद एक और बार नीतीश कुमार का साथ मिला है वो आगे बढ़ जाएगा। और इसी सब गणित के बीच में एक शख्स हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर राजनीति में ये बोला जाए कि सब्र का इम्तिहान ले करके और उस इम्तिहान में प्री बोर्ड्स में पास हो जाना, क्योंकि बोर्ड्स तो 2024 का चुनाव है नतीजा, तो वो कौन है? तो ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में सब्र के इम्तिहान के प्री बोर्ड्स में ताजा ताजा पास किए हुए शायद चिराग पासवान होंगे। आप सोचिए वो 2020 का दौर जब कैसी परिस्थितियां बनी जिसमें चिराग पासवान ने एक पोजीशन ली, उसके बाद उनकी पार्टी ही टूट गई, घर में कलेश हुआ और उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि शायद चिराग पासवान चोटिल है। लेकिन 4 साल बाद वक्त पलटे, हालात पलटे और आज मंच पर चिराग पासवान उस सब्र के इम्तिहान की पहली सीढ़ी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमुई में एक रैली हुई प्रधानमंत्री की जिसमें जब चिराग अपने आप को हनुमान बोलते थे और उस समय ऐसे लग रहा था कि ये जो उन्होंने अपने आप को तमगा दिया है ये कबूल नहीं किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कल खुद प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से उनको छोटा भाई बोला। इसके मायने क्या हैं, बिहार की राजनीति में मायने क्या हैं और चिराग पासवान के लिए खुद इसके मायने क्या हैं, हमारा सौभाग्य हमारे साथ द रेड माइक में इस वक्त जुड़े हैं एलजेपी रामविलास के श्री चिराग पासवान। चिराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात, जमुई की वो धरती जो कि आपकी कर्म भूमि है, आपके पिताजी रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है, ये वो इलाका है जहां पर मतलब विच हैज रियली ब्लेस्ड यू। यहां से प्रधानमंत्री का बिहार का अपना कैंपेन शुरू करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये अपने आप में बहुत गहरा एक मायना रखता है? भाई मेरे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए और जमुई वासियों के लिए। 10 साल से मेरी कर्मभूमि रही है और भाई ये वो जमुई का इलाका है जो आज तक नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, जहां पर दशकों तक प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए केंद्र का कोई बड़ा नेता तक जाने से परहेज करते थे। ऐसे में बिहार में जब चुनावी प्रचार की शुरुआत मेरे प्रधानमंत्री करते हैं तो सबसे पहली सभा वो जमुई में करते हैं, तो ये मेरे लिए, जमुई के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात रही। और आपको पता है मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का भक्त रहा हूँ, उनके साथ मेरा वो रिश्ता रहा है और गाहे बगाहे इसी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री उस रिश्ते की मर्यादा, उसका सम्मान भी रखते हैं। चिराग जी, आपको लगता है कि ये जो मर्यादा थी ये एक चुनौती से गुजरी और वो चुनौती थी सब्र का इम्तिहान? उस समय आपने अपने आप को हनुमान बताया, आपने अपने आप को उनका अनुयायी बताया, भक्त बताया, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की कैबिनेट में आपकी पार्टी टूटी और आपके चाचा जी उसमें मंत्री बन गए, आप अलग थलग पड़ गए हनुमान अपने आप को बोलने के बावजूद। कल प्रधानमंत्री ने खुद आपको छोटा भाई बोला, तो आपको लगता है कि आपकी तरफ से जो भाव थे उसको वहां से रेसिप्रोकेट होने में 4 साल लग गए? भाई रेसिप्रोकेट हुए हमेशा, बट मैंने हमेशा कहा मेरा ये संबंध या मेरा ये रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से किसी लालच की वजह से नहीं था। और मैंने इस बात को मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े थे जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, मेरे सबसे कठिन समय में। और लोगों को लगता है कि मेरे लिए मेरा कठिन समय परिवार टूटना, पार्टी टूटना, वही था मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे सबसे कठिन समय। मेरे पिता को अस्पताल में दुनिया भर की जब सुइयां लगी हुई थी, तारे लगी हुई थी, आई हैव सीन हिम एज अ शेर। मैं बार बार मैं कहता हूँ कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैंने उन्हें लाइक अ लायन, मैंने हमेशा उनको वो रोर करते हुए, वो दहाड़ते हुए मैंने उन्हें देखा। तो ऐसे में पापा को ऐसे देखना नहीं मेरे लिए संभव था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नहीं जाता भी नहीं था अंदर जब वो आईसीयू में होते थे, मैं बस दूर से देखता था, बाहर से देखता था। तो वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम रहा भाई। और उस समय में मेरे प्रधानमंत्री लिटरली लाइक अ फादर फिगर, मेरे परिवार के साथ वो खड़े रहे। इमेजिन आप कर सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं भाई, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आपको कॉल करते हैं विदाउट एनी मीडिया, ये भी नहीं कि फोन लगा के बात करवा दो। मैं जब फोन उठाता था तो उस तरफ दूसरी तरफ मेरे प्रधानमंत्री खुद फोन पर होते थे, और दिन में 2 बार, सुबह 8:30 बजे का समय उनका फिक्स होता था और रात में कभी 10, 10:30, 11 बजे। एंड नॉट ओनली ही यूज टू आस्क, वो पूछते भी नहीं थे मुझसे कि पापा कैसे हैं, वो मुझे फीडबैक देते थे बिकॉज वो डॉक्टर से फीडबैक ले चुके होते थे और क्या क्या हम लोग को ऑल्टरनेटिव्स करने चाहिए, कहाँ से हम लोग को एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स वो खुद मुझे सजेस्ट किया करते थे। तो ऐसे में वो जो एक रिश्ता बना, अगर मैं इसको आई डोंट थिंक इट शुड साउंड फिल्मी बिकॉज मेरे लिए वो हकीकत है, वो एक दर्द का रिश्ता वाली बात है, यू नो, मतलब ही वॉज देयर ड्यूरिंग माई टफेस्ट टाइम, जब मैं सबसे ज्यादा पेन में था। तो इसीलिए वहीं से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मर्यादा रखी, ना उन्होंने राजनीति को इसमें जोड़ा, ना मैंने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस रिश्ते को कभी इस्तेमाल करने का मैंने प्रयास किया। और इसीलिए मेरे ऊपर कई तंज कसे गए भाई, अभी तो हम लोग मुस्कुरा के ये कह सकते हैं, बट वो दौर था जब लोग बोलते थे अरे बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हुआ, कहाँ गए राम, एक तरफा प्यार, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बोला गया। बट जैसा आपने कहा, आई थिंक संयम, धैर्य, आई थिंक दैट्स द की टू सक्सेस। मैंने अपना पेशेंस मैंने कभी लूज नहीं किया, हिम्मत कभी नहीं हारी। माई मदर्स बीन माई स्ट्रेंथ, वो हमेशा मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी नहीं। भक्ति में विश्वास रखता हूँ, आस्तिक हूँ, आस्था रखता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो इन चीजों ने बहुत ग्रेविटी दी। कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में झिल्लाहट में आकर मैंने कोई काम नहीं किया, बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ, सोच समझ के
एंड हियर वी आर। चिराग भाई, आपको लगता है कि आपके चाचा ये धैर्य नहीं रख पाए? मैं हाल फिलहाल वाले में मैं जरूर बोलूंगा। मैं पिछले एपिसोड का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कब से सब सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे। मतलब कहा ये भी जाता है कि व्हेन पापा वाज देयर दैट टाइम आल्सो यू नो ही वाज प्लानिंग अ स्प्लिट इन द पार्टी। एंड उस वक्त भी मुझे याद है कि लास्ट कम्युनिकेशन पापा के साथ जब चाचा जी का हुआ था, एंड मतलब ऑल्सो विद माई यंगर ब्रदर, उनके साथ भी जब हुआ था, मेरे कजन के साथ, तो उस वक्त पापा वॉज एनॉयड बिकॉज उस वक्त भी पार्टी में टूट की खबरें चल रही थी एंड पापा वॉज इन हॉस्पिटल एंड उनको ICU में थे और उनको वो ऑक्सीजन वाला वो बायपैक और ऑल दैट, वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। सो माई मॉम वॉज ऑन अ वीडियो कॉल विद हिम एंड उसी वक्त चाचा जी से पापा के एक असिस्टेंट ने उनकी बात करवाई एंड पापा वॉज रियली एंग्री कि ये क्या चल रहा है पार्टी में, क्या टूट की खबरें और ये सब वो सब। सो कहा ये भी जाता है, जानकारी ये भी है कि शायद पापा के रहते हुए भी चाचा इस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि 2020 से पहले, ये 2020 से पहले की बात है जी। मैं ये 2020 की ही बात है। सो पापा लेफ्ट अस 8 अक्टूबर 2020 और ये मैं बात कर रहा हूँ अगस्त के आसपास की। सो एंड उसी वक्त मतलब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट भी है क्योंकि उसके बाद जब पापा ने सब कहा, सो देन फिर चाचा ने एक लेटर लिखा कि नहीं, हम सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और सारे सांसद उनपे वास्ता रखते हैं ये सब। तो वो लेटर भी उन्होंने लिख के पब्लिक किया था जो कि पापा के कहने के बाद, उनके गुस्सा होने के बाद ही आया। सो खैर उस वक्त मुझे नहीं पता कि उस वक्त उन्होंने कोई अधीरता दिखाई, कोई जल्दबाजी दिखाई, बट अभी मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए। जरूरत नहीं थी इतनी जल्दी आपने एजम्पशंस पे, और वो भी एजम्पशंस किस बात का, क्योंकि मैं उस दिन आया था, मेरी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा जी से और बाहर निकलकर मैंने बाइट भी नहीं दी थी, मैंने बस इतना ट्विटर पे किया था कि गठबंधन में चीजें फॉर्मलाइज हो गई हैं, बस इसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। सो उस एंटिसिपेशन में उनको लग गया कि सारी सीटें मैंने कर ली और उनको कुछ नहीं मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट डे उन्होंने जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, इवेंचुअली तो वो वापस एनडीए का समर्थन कर ही रहे हैं। सो इस्तीफा दे दिया एंड देन ही नॉक्ड ऑल द पॉसिबल डोर्स एंड फिर कुछ हुआ नहीं एंड नाउ ही इज बैक इन द अलायंस। अच्छी बात है। चिराग जी मुझे ये बताइए, ये एक विचित्र सी स्थिति में आप अपने आप को नहीं पाते हैं कि एक पार्टी जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, उसमें आप कह रहे थे कि आपके कठिन वक्त में प्रधानमंत्री दो दो बार फोन करते थे और वो बहुत मायने रखता है, अगर उस परिवार के एक बड़े सदस्य के साथ अगर कुछ हो जाए और उस समय अगर कोई खड़ा रहे तो वो बात याद रहती है, ये बात मैं आपकी उससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन उसके बाद फिर इसी पार्टी के मुखिया होने के नाते उन्होंने आपकी पार्टी के एक भाग को केंद्रीय मंत्री बनाया, तो क्या आपको अंदर से ये नहीं लगा कि मैं तो हनुमान मान रहा था, ये इतना फोन कर रहे थे और उसके बाद राजनीति के लिए इन्होंने मेरे चाचा को तरजीह दे दी, मेरी पार्टी का एक वर्टिकल स्प्लिट कर दिया, ये सब भाव नहीं आए कभी आपको? भाई मैं किसी दूसरे से क्या ही शिकायत करूं, मैंने तो अपनों से धोखा खाया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ सकता था। यहाँ पर धोखा मेरे अपनों ने ही दिया तो मैं किसी दूसरे तीसरे से क्या शिकायत करता, मैं कैसे जाके किसी दूसरे दल को बोलता कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, या किसी दूसरी पार्टी के नेता को मैं कैसे बोलता कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं खड़े थे। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते तब मैं जरूर मैं दूसरों से भी मैं लड़ता कि भाई मेरा हक बनता था, मेरा अधिकार बनता था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बट यहाँ पे आई हैड नो राइट to say anything whatsoever because I was on the wrong side. मेरे अपने मुझे धोखा देकर गए and maybe like a fool मैं इन बातों को समझ नहीं पा रहा था, या शायद मैं रिश्ते में प्यार में इतना अंधा था। मेरा commitment मेरे छोटे भाई के लिए was like a son. He was a kid brother to me. आप अभी भी जाएं पशुपतिनाथ पारस जी के बेटे की बात आप कर रहे हैं? नहीं, सबसे छोटे वाले जो कि समस्तीपुर से अभी भी सांसद हैं, प्रिंस, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो ही वाज लाइक अ किड ब्रदर टू मी एंड उसके स्कूल में पीटीएस में मैं जाता था, उसकी रिपोर्ट कार्ड्स मैं साइन करता था, उसको बायो, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रूमिंग, ये सब मैं उसकी मैं करवाता था।
सो अब यहाँ तो मैं इतना ज्यादा उस प्यार में अंधा था कि मैं इन सारी चीजों को देख ही नहीं पाया। तो वो ये गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी थी कि मैं इन सारी चीजों को रिश्ते में प्यार में नहीं समझ पाया, और ये हुआ तो मैं कैसे किसी और से शिकायत करता कि आपने क्यों नहीं किया। अब आपको क्या लगता है कि देखिए आप अभी ये कह रहे थे कि इससे पहले की सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता, आपके चाचा जी जो हैं वो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और घूम फिर के वापस एनडीए में आ गए, लेकिन वो एनडीए में आए वो इस्तीफा उन्होंने दिया ही और नाराजगी जताई ही इसलिए चिराग जी क्योंकि तब तक एक मोटा मोटा मसौदा तैयार हो गया था कि द बल्क ऑफ द सीट्स फॉर एलजेपी विल गो टू योर फैक्शन। चिराग पासवान का जो रामविलास पार्टी है उसको अमूमन जो ज्यादातर सीटें जाएंगे, 5 प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये आप जी 5 आपको जाएंगी, ये उनकी नाराजगी थी। हाँ, बट भाई वही मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त तो सिर्फ एजम्पशंस थे ये, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। हाँ, बट घोषणा होती भी तो इसी के आधार पर होती, बट क्योंकि आपने जल्दबाजी पे आपने सवाल किया था तो वही मैं बोल रहा था, मैंने बोला कि एजम्पशंस पे आपने इस्तीफा दे दिया, सब दे दिया, एक मौका रखना चाहिए था, डोर ओपन रखना चाहिए था कि पहले कोई बातचीत हो जाती, ऑफिशियली आपको कुछ कम्युनिकेट किया जाता। बट हैविंग सेड इट ऑल भाई, ये उनका स्ट्रेस है, ये उनकी चिंता थी। लेकिन देखिए अब मैं आपको एक बड़ी विचित्र स्थिति में पाता हूँ चिराग जी, कि ये सब होते हुए आप एक ऐसी स्थिति में है कि एक तरफ चाचा, दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी जिसने जैसे आपने बोला परिवार से ही धोखा खाया, लेकिन वो फिर केंद्रीय मंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई की कैबिनेट में ही बने, चलिए वो दोनों चीजें हो गई, लेकिन जिनके लिए 2020 में आपने बोला कि मैं तो सब सीटों पर लड़ूंगा, मुझे बीजेपी से बैर नहीं लेकिन नीतीश कुमार जी जो है वो हमको नागवार गुजरेंगे, आज उन्हीं की अगुवाई में ये एनडीए गठबंधन, तो आप अपने आप को एक विचित्र सी समस्या में नहीं पाते हैं पुराने बयानों के चलते? अब क्या होगा? I think politics में आपको prioritize करना बहुत जरूरी है। It's very important to have your goals very very clearly set। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आज की तारीख में जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ जब हम लोग निकले हैं, ऐसे में अगर गठबंधन आपसी विवाद में उलझ जाता है तो उसका नुकसान ही सिर्फ हम लोग को होगा। एंड आई थिंक बहुत मैच्योरिटी से दोनों दल और दोनों दल के नेता, मैं जनता दल यूनाइटेड और अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आई थिंक बहुत मैच्योरिटी के साथ वी आर डीलिंग विद दिस। आई एम नॉट शाय अवे विद द फैक्ट कि थे कंसर्न्स, थे इश्यूज थे, बट मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हम लोग को ये चीजें सिखाई जाती हैं कि राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं, राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपके गठबंधन का हित आता है, फिर आपके दल का हित आता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्रहित की बात होती है भाई, मैं मानता हूं कुछ लोग असहमत होंगे, कुछ लोग डिबेट करेंगे, बट मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है राष्ट्रहित, जिन कार्यों की उन्होंने शुरुआत की है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को वो मजबूती दे रहे हैं, दहाई के आंकड़े से 5वें नंबर पर, अगले 5 साल में 3रे नंबर पर, 2047 तक विकसित देश के निर्माण की सोच भी रखना, ये सारी सोच इससे पहले आई भी नहीं कभी। तो इन सारी चीजों को लेकर मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन के हितों को हम लोग को साधना जरूरी है। अगर गठबंधन में कहीं भी फ्रिक्शन हुआ तो ये कहीं ना कहीं वो लक्ष्य जो 40 की 40 सीटें जीतने का है उसको हम लोग चूक जाएंगे, और ऐसी चूक नहीं हो, हम लोग को बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए वो एक कंपैटिबिलिटी आपस में बनानी जरूरी है। एंड आई थिंक यही मैंने, मेरे मुख्यमंत्री, हम दोनों की पार्टी ने मिलकर करने का प्रयास किया कि आज प्राथमिकता प्रधानमंत्री है, देश का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रहित में सब एक मंच पर आए और अब मिलकर कार्य कर रहे हैं। मतलब आपके वो रिजर्वेशंस अभी भी हैं, लेकिन क्योंकि एक लार्जर कॉज है गठबंधन के प्रति, एक लार्जर कॉज है जैसे कि आप कहते हैं प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के, इस वजह से आप अभी फिलहाल उनको बैक बर्नर पे रख देंगे या उनके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन वो कंसर्न्स हैं नीतीश कुमार। बैक बर्नर पे की बात इसलिए क्योंकि अभी बिहार के नहीं है, जब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर चल रहा हूँ भाई, और मेरी चाहत हमेशा से बस इतनी रही है कि मैंने बिहार को लेकर बहुत अध्ययन किया है, यंग ब्रेन्स की मैंने टीम बैठाई है, मैंने खुद इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च डेटा में हूँ,
बाय नेचर मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं स्टैट्स पे बहुत काम करता हूँ, मैं डेटास पे बहुत काम करता हूँ, मैं पर्सनली बहुत रिसर्च करता हूँ। एंड मैं जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं बिहार की समस्या नहीं, मैं बिहार की में समाधानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अगर बिहार में बाढ़ की समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा, पलायन की समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज कैसे बेटर होंगी, मेरे बच्चे कोटा ना जाए पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे उनको कैसे हम लोग रिटेन कर सकें, ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकें, ये तमाम चीजों पे मैंने रिसर्च किया और मैंने उसके सोल्यूशन सामने रखे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट कि वो गवर्नमेंट एजेंडा में इनकॉर्पोरेट किए जाएं, एंड विच आई थिंक अब क्योंकि गठबंधन इतना सहज हुआ है तो मैं मानता हूं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को बहुत एमिकेबली आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एडजस्ट किया जाएगा। चिराग जी, एक आरोप जो है राजनीतिक रूप से वो आपके पिताजी श्री रामविलास जी पर भी लगता था और वो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार पर भी लगता है, और वो है कि मौसम देख के पलट जाना। तो आप जो विजन की बात कर रहे हैं और गठबंधन की बात कर रहे हैं, और एक चीज माननी पड़ेगी, एलजेपी जो है पिछले कुछ सालों में और पिछले एक दशक में तो कम से कम गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीए में ही रहा है, लेकिन ऐसा जेडीयू के साथ नहीं हुआ है। इसी दौरान इन्हीं पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि कई बार फ्लिप 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 वो कई बार चीजें पलटी। तो इस गठबंधन के चलते आपने तो नीतीश कुमार जी के साथ जो डिफरेंसेस हैं उनको एक बार के लिए किनारे रख दिया, उन्होंने रखा या नहीं इसकी गारंटी क्या है? चुनाव के बाद फिर पलट गए तो 2025 बिहार विधानसभा के पहले फिर पलट गए तो तब आप विजन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? भाई देखिए, राजनीति में कल क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, और ये तो हम राजनीतिक विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, बट अब तो पब्लिक डोमेन में भी बहुत ओपन है और हर कोई कहता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है एंड परिस्थितियों के हिसाब से तमाम चीजें होती है। इसमें मैं एक दो बिंदु, क्योंकि आपने दो तीन बिंदु एक साथ आपने उठा दिए, मैं एक दोनों तीनों बिंदुओं पर मैं एक एक मिनट में लूंगा। जहां तक रही बात मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, कि उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, पहले तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कुडंट अंडरस्टैंड कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ये उनकी आलोचना है कि उनकी तारीफ होती है, क्योंकि राजनीति में अगर आप मौसम का रुख नहीं भाप पा रहे हैं तो वो भी गलत ही है, फिर क्यों है आप राजनीति में? आपको जनता की नर्व्स को समझना, उसको पकड़ना, उसको जानना जरूरी है। सो व्हेन इट कम्स टू माय फादर, एंड जब उनको राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, भाई मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि पापा ने कभी भी या मेरी पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेज नहीं किए, हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंसेज किए। हम लोगों ने कभी अलायंस इसलिए नहीं किया कि इसके साथ जाएंगे और इनकी सरकार बन रही है, इसलिए नहीं किया, हम लोगों ने हमेशा पहले अलायंसेज किए। अब वो संजोग की बात है या उसको, सॉरी मैं आप ही का ही नाम ले रहा हूं, उसको शुभ संकेत माने कि उसकी, कि जिनके साथ हम लोग गए, पापा गए, उनकी सरकार बनी। एक छोटा सा उदाहरण, 2004 में किसी ने नहीं सोचा था कि उस वक्त यूपीए की सरकार आएगी या कांग्रेस, उस वक्त इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी। हाँ। उस वक्त सब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था कि वाजपेयी जी की सरकार कंटिन्यू करेगी 2004 में, बट उस वक्त पापा अलग हुए गठबंधन से और उस वक्त उन्होंने यूपीए के साथ जाने का फैसला किया। अब ये एक शुभ संकेत ही है कि उस वक्त यूपीए की सरकार बनी। 2013 में फिर इसी तरीके से, उस वक्त मोर देन माई फादर इट वॉज माई डिसीजन, आई वॉज मोर एडमेंट कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए, और हम लोग एनडीए के साथ गए और फिर एनडीए की सरकार बनी। तो ये तो रहा मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का मौसम विज्ञान राजनीति को लेकर। आपने मेरे मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री जी, उनकी पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उनको जब जो ठीक लगा उन्होंने वो फैसले लिए अपने हित में, अपने दल के हित में। और इतना मैंने बार बार मैंने कहा कि राष्ट्र हित, गठबंधन हित, दल का हित, उनके दल के हित में हर बार उनके फैसले सही साबित हुए। वो जहां भी रहे, वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, उन्होंने वो जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाया। तो राजनीति में मुझे लगता है ये बातें चलती रहती हैं। अंतोगत्वा पब्लिक डोमेन में है, जनता को ये फैसला लेना है कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, क्या बार बार इस तरीके से गठबंधन बदलने से आपके अंदर आपको लेकर कोई विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउट में आती है क्या? तो ये सारी चीजें जनता डिसाइड करती है और उसी के आधार पर फिर आपको समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है।
ये तो आपने बहुत खूब फरमाया, लेकिन देखिए होता क्या है कि आप क्या कारण बोल करके और विचारधारा का हवाला दे करके जब कोई राजनीतिक निर्णय लेते हैं और उसके बाद फिर आप कुछ ही महीनों बाद या सालों बाद उसका एकदम विपरीत फैसला ले लेते हैं, तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि फिर वो पहले वाली विचारधारा सही थी या ये विचारधारा सही थी, या राजनीति में लेफ्ट और राइट विचारधारा नहीं होती, बस महज एक ही विचारधारा होती है, सत्ता पक्ष विचारधारा और विपक्ष विचारधारा। आप जहां जिस खेमे में होंगे उस तरीके की जबान बोलेंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं चिराग जी क्योंकि जेडीयू, और मैं जानता हूं आप उनके हवाले से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, और इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2013 में नरेंद्र मोदी से इसलिए अलग हुए उनके नाम की घोषणा के बाद, ये कहते हुए कि 2002 के चलते उनको नरेंद्र मोदी कॉम्युनल फिगर दिखे। उसके बाद 2017 में यही नरेंद्र मोदी कॉम्युनल फिगर नहीं दिखे, फिर अभी हाल फिलहाल दोबारा दिखे जब वो तेजस्वी यादव के साथ आ गए, और फिर अब नहीं दिखे, और उसके बाद भी वो एक रेलेवेंस बरकरार है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये आप असहज महसूस नहीं करते हैं इन चीजों की वजह से? आपका मौसम वैज्ञानिक की डेफिनेशन ये है कि हम इलेक्शन से पहले ही, हमारी विचारधारा है, हमारे जो कम्युनिटी है उसका उत्थान, लेकिन यहां तो हवाला कम्युनल और नॉन कम्युनल होने का दिया गया था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई, और मैं नहीं सहमत होता हूं इन सब चीजों से। हैविंग सेड दैट, आपने खुद ही बोला, मैं अधिकृत नहीं हूं किसी और दल के बिहाफ पे बातों को रखने के लिए या उनको जस्टिफाई करने के लिए, बट अगर मैं अपने दल और अपने नेता की मैं बात करूं, ये कॉम्प्रोमाइज मेरे नेता ने कभी नहीं किया। उन्होंने किसी भी गठबंधन का वो हिस्सा रहे हो, उन्होंने अपने एजेंडाज, अपने मुद्दों को, आप 2013 में भी अगर आप देखेंगे, जब हम लोग यूपीए छोड़कर जब हम लोग एनडीए का हम लोग हिस्सा बने थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने प्रिसाइसली इस बात को बोला था कि ये मुद्दों के आधार पर किया गया ये गठबंधन है, जहां पे हम लोगों ने अपने एजेंडाज को हम लोगों ने प्रायोरिटी दी थी, जहां पे पार्टी जिस आधार पर है, और उसके कई बार उदाहरण भी सामने आए। बीच में एक ऐसा समय था जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया। अब ये वो एजेंडाज हैं जिसपे जीरो कॉम्प्रोमाइज की नीति हम लोग लेकर चल रहे थे, रिजर्वेशन हो, SC ST एक्ट की बात हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट को रिजर्वेशन मिले, ये भी हम लोग के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा रहा था। सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी, हम ही लोगों की पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो तक में हम लोगों ने ये लिखा हुआ था कि 15% का आरक्षण अपर कास्ट के जो वीकर, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको मिलना चाहिए। तो ये सारे एजेंडा हम लोगों ने यूपीए की सरकार में भी बरकरार रखे, एनडीए की सरकार में भी बरकरार रखे, और जब एक ऐसा समय आया कि जब इस पे डाइल्यूशन की बात आई तो हम लोगों ने सरकार से वॉकआउट करने की भी हम लोगों ने बात की। भूमि अधिग्रहण बिल ऐसे इश्यूज थे जिसके ऊपर हम लोगों ने खुलकर अपना रुख हम लोगों ने स्पष्ट तौर से रखने का हम लोगों ने काम किया। मैं फिर 21वीं सदी का एक पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं मानता हूं कि आपको अपनी आइडियोलॉजी पे आपको टिकने की जरूरत है। अगर आप अपने सिद्धांतों से, अपनी सोच से अगर आप समझौता कर लेंगे तो जनता आने वाले दिनों में आपके विश्वास नहीं करेगी। मैं अपना भी एक उदाहरण आपको देता हूं भाई, 2020 में एक ऐसी परिस्थिति बनी जब एनडीए गठबंधन में रहना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। मैं उस गठबंधन से मैं बाहर जरूर निकला, बट मैंने किसी दूसरे गठबंधन, दूसरे दलों के साथ मैंने गठबंधन नहीं किया। मैं अकेला मैंने चुनाव लड़ा उस वक्त। उसके बाद भी बहुत इसके ऊपर विश्लेषण हुए कि क्या मेरा वो फैसला सही था, क्या मेरा वो फैसला गलत था। विदाउट गेटिंग इन टू दैट डिबेट, व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि मैंने अपनी आइडियोलॉजी से मैंने समझौता नहीं किया। मैं कल तक मैं जिनके विरोध था, मैंने ये नहीं कि मैं आज उनके साथ में जाकर मैं गठबंधन में बैठ गया या लालू जी के साथ में जाकर मैं गठबंधन में बैठ गया। अभी भी हम लोग राष्ट्रहित के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए ये गठबंधन उतनी ही मजबूती से हम लोग लेकर चल रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में जो मेरे इश्यूज हैं, जो मेरे एजेंडे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, वो मैं सामने रखूंगा ही रखूंगा। ये होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए। हैविंग सेड दैट भाई, बहुत हम्बली मैं इसको भी एक्सेप्ट करूंगा कि आमतौर पर राजनीति में देखा नहीं जाता। आपकी राइट लेफ्ट की परिभाषाएं जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के सामने आती हैं तो फिर वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की महत्वाकांक्षाओं में तब्दील हो जाती है। तो आपकी आइडियोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली डाइल्यूट होती है, होनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल चिराग जी, अब देखिए ऐसा है, एक 5 साल पुराना जाकर के एक उदाहरण लेते हैं और उसके आधार पर 2025 के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। देखिए 2019 में भी ऐसी परिस्थिति थी, लोजपा
उस समय रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच थे, जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर के आपका गठबंधन था और आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया बिहार में। उसके बाद परिस्थितियां बदल गई क्योंकि 2020 के चुनाव में आपका एक ऐसा रुख हुआ जिसमें जेडीयू ने आपको भर भर के कोसा कि ये सिंगल पॉइंट एजेंडा के तहत इस चिराग पासवान ने हमको कमजोर किया है, हम जो हैं वो इनकी वजह से कमजोर हुए हैं, और ये बयान आपसे छुपे नहीं है, आप जानते हैं ये सब बयान। 2024 में आप लोग फिर साथ हैं, गठबंधन के खातिर आप कहते हैं साथ हैं। 2025 में क्या चिराग पासवान को दोबारा ऐसी जरूरत महसूस होगी कि वो ये महसूस करे कि मुझे बीजेपी से बैर नहीं लेकिन नीतीश जी की पार्टी की जगह तो मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा, आई हैव टू फर्दर माय ओन कॉज और मुझे अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तो जेडीयू जहां लड़ रही है वहां तो मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। भाई आई विश कि मैं भविष्यवक्ता होता और इन सारी चीजों का मौसम वैज्ञानिक का बेटा पूर्णता अभी वो गुण धीरे धीरे आएंगे अंदर, बट मुझे नहीं पता भाई कि भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि 2020 में भी मैंने अपनी आइडियोलॉजी से मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, आगे भी मैं अपनी आइडियोलॉजी से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि बिहार को आगे लेकर जाने के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरना बहुत जरूरी है, और जैसा मैंने कहा कि वो समस्या नहीं है, समाधान है बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का। मतलब यू नेम द प्रॉब्लम एंड आई हैव अ सॉल्यूशन टू इट, कि कैसे स्टेट की इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब यू नेम इट एंड आई हैव अ सॉल्यूशन। मैं पूछना शुरू करूं क्योंकि बिहार को लेकर के मैं थोड़ा सा, एक वक्त था जब यूपी और बिहार को एक ही पंक्ति में रखा जाता था, बैकवर्ड इंडिसीज में। आज आप यूपी के किसी भी उसमें चले जाएं, और ये कोई सिर्फ योगी आदित्यनाथ रेजिम की वजह से नहीं, जनरली 2007 के बाद से एकदम से देखा गया कि यूपी में एक बदलाव आया, एक्सप्रेसवेज का दौर आया, कंस्ट्रक्शन का दौर आया, और वो लगातार, और बिहार से उत्तर प्रदेश जो कम से कम नहीं तो एक दशक आगे निकल चुका है अपने इंडिसीज में। आपके बिहार में पटना में एयरपोर्ट सबसे रद्दी, रेलवे स्टेशन की हालत खराब, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसीज अगर आप देख लें उसमें बिहार सबसे पीछे, सड़कें इतना विकास और तेजी से बढ़ने के बावजूद भी सड़कों का हल्का सा आप पटना से बाहर निकलेंगे तो सड़कें खराब, सिंगल लेन सड़कें हैं जिनको नेशनल हाईवे बोला जा रहा है वो तो देख कर कि मैं चक्कर खा गया। मुझे आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में ही अगर हम देख लें, या 20 साल तो नीतीश कुमार की सरकार और 10 साल एक डबल इंजन जिसे कहा जाता है विद 2-3 ईयर्स ऑफ एबरेशन, अमूमन एनडीए की ही सरकार रही है बिहार में और उसके बाद भी ये स्थिति है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर इसके लिए बिहार किसको जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जिनसे आपकी प्रतिस्पर्धा है वो हैं तेजस्वी यादव जो कहते हैं 17 महीने में मैंने कितने लाख नौकरी दे दी, और ये है कि नौकरी नहीं देते हैं, ये है कि कुछ विकास नहीं करते हैं। आपके जवाब मैं बताता हूँ भाई। भाई मेरे प्रदेश की ना सबसे बड़ी विडंबना क्या रही है संकेत भाई, हम लोग के साथ सबसे बड़ी आयरनी रही विरोधाभास की सरकारें, एक लंबा समय और 27 साल का ये समय कम नहीं होता, 27 साल मेरे प्रदेश में ऐसे थे जहां पे सिर्फ विरोधाभास, और विरोधाभास की सरकार से मेरा मतलब है केंद्र में कोई और सरकार और राज्य में कोई और सरकार। जो मेरे प्रधानमंत्री आज की तारीख में बहुत गर्व और पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है, मैंने इसके नहीं होने के नुकसानों का अनुभव किया है। जब जब बिहार में, अब जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो आपने बोला कि एनडीए की सरकार थी, जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। बीच का अगर 1-1.5-2 साल का अगर आप पैच छोड़ दें, अभी मैं हाल फिलहाल के वर्षों की बात करूं, मैं पोस्ट 2000 की मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विरोधाभास की ये सरकारें रहीं। और अगर मैं उससे पहले की मैं बात करूं जिस एरा को जंगल राज और ये सब कहा जाता है 90 का दशक, तो उस वक्त भी आपने देखा कि केंद्र में कॉन्फ्लिक्टिंग सरकारें रहीं, और वो तो 90 का दशक एक ऐसा था केंद्र में भी जहां पे कई चुनाव हुए, बहुत अनस्टेबल सरकारें रहीं, हम लोगों ने
यूनाइटेड फ्रंट की 1-2 गवर्नमेंट दोनों हम लोगों ने देखी, गुजरात साहब की सरकार देखी, देवे गौड़ा जी की भी देखी, जो कि नहीं चल पाई उस तरीके से, 13 दिन की भी, 13 महीने की तमाम सरकारें हम लोगों ने उस वक्त हम लोगों ने देखी। सो ये विरोधाभास जो रहा इसने बिहार का बहुत ज्यादा नुकसान किया। और ये होता है भाई, जब केंद्र में अलग राज्य में अलग, तो केंद्र की योजनाएं राज्य में धरातल पर नहीं उतरती और राज्यों की परियोजनाओं को केंद्र से स्वीकृति नहीं मिलती है, ये इश्यूज आते हैं और ये प्रैक्टिकल इशू है, बट आपको इससे डील करना ही है बिकॉज संविधान एक संघीय ढांचे की बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट एंड सेंटर के राइट्स अलग होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं और जो प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि जरूरी है डबल इंजन की सरकार का होना, और इसका उदाहरण जो आपने खुद ही दिया उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश अगर इतनी तीव्र गति से अगर आगे बढ़ रहा है और विकास कर पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ एक ही सोच वाली सरकार है जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर यही स्वरूप एनडीए की सरकार केंद्र में और एनडीए की ही सरकार राज्य में अगर रहती है तो जरूर विकास को गति मिलती है, किसी तरीके के कोई इश्यूज या कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आते। तो बिहार का सबसे ज्यादा पिछड़ा रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि कभी हम लोग सेम पेज पर नहीं रहे सेंट्रल एंड स्टेट। सो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट अ बेटर सिचुएशन, एक डबल इंजन। ये तो चिराग जी एक बात हुई ना, अब जैसे अगर मैं आपको दो, इसी वजह से मैंने उदाहरण 2014 के बाद का लिया। देखिए 2015 टू 2017 मैं समझ सकता हूँ एक अलग सरकार थी, लेकिन फिर 2017 से लेकर के एक बहुत लंबे समय तक एनडीए की ही सरकार थी वहां पर, फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल 17 महीने के लिए फिर कोई और सरकार आई लेकिन फिर एनडीए की सरकार। तो एक जो लंबा पैच था या एक काफी अच्छे समय तक एनडीए की ही सरकार थी बिहार में। बट भाई चीजों को धरातल पर उतारने के लिए यू नीड अ लॉन्गर पैच। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टेन्योर में हम लोग उत्तर प्रदेश की ऐसे बात नहीं कर रहे थे जब योगी जी की सरकार आई थी। उस समय लगता है 8 से 10 साल का, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं कि पहले खाई को भरना होता है, उसके बाद जमीन को समतल करना होता है, फिर आप इमारत खड़ी करने लगते हैं, वो समय लगता है। कल मेरे प्रधानमंत्री ने अपने ही भाषण में बोला कि अभी तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर था, चीजें तो अब यहाँ से शुरू होंगी, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो जब मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 10 सालों को सिर्फ एक ट्रेलर बता रहे हैं, और ये समय लगता है, देश इतना बड़ी, आज भाई हम लोग 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलने की सोच बिहार में हम लोग रख रहे हैं, तो 13 करोड़ की आबादी को बदलना साल दो साल तीन साल में संभव नहीं है। और ऐसे में यकीनन ये चीजें भी, अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा बट ये बाधाएं आती हैं। आपने 17 का जिक्र किया, 17 में आने के बाद हुआ क्या, 17 के टूवर्ड्स द एंड आए मोटा मोटी आप 18 ही मान के चलिए, 19 में चुनाव आ गए हम उसकी तैयारी में लग गए, 20 में फिर एक और चुनाव आ गया राज्य में हम लोग उसमें लग गए, तो समय मिला का। तो ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये सारी वो प्रैक्टिकल व्यवस्थाएं हैं जो देश को विकसित बनाने को लेकर, और देश तभी विकसित होगा जब हर राज्य विकसित होगा। तो ऐसे में अब आप देखिएगा, इसके बाद अभी लोकसभा खत्म हो रहे हैं भाई, हम लोग तुरंत इसके बाद लग जाएंगे बिहार 2025 में हम लोग लग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकलिटी में कभी कभी इश्यूज आते हैं, बट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स रेक्टिफाइंग दीज इश्यूज एज वेल। मुझे अब क्योंकि आपने बोला कि आपके पास समाधान है और ये शब्द ही बहुत प्यारा लगता है, समस्या से समाधान, हम लोग भी पूरी प्रयास करते हैं कि हमारी पत्रकारिता जो है वो समाधान पर ज्यादा चर्चा करे, ना कि समस्या में उलझी रह जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वो बिहार है जिसने इस देश को एक से बढ़कर एक नेता दिए हैं, राजनीति का गढ़ बताया जाता है, विद्वानों की कमी नहीं है, उसके बाद भी बेरोजगारी चरम पर है, यहां से जो एग्जोडस हो रहा है लोगों का, जो माइग्रेशन हो रहा है वो अपने पीक पर है, कम नहीं हो रहा है, और ये पिछले 20 साल में बढ़ा ही है जब से नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में तेजस्वी यादव जो कि एक और युवा नेता हैं और युवाओं को वो अपील कर रहे हैं, उनका यह कहना है मेरे 17 महीने में देखिए कितने लाख युवाओं को नौकरी मिली और ये नौकरी अब कैसे मिलेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है, उन्होंने तो अपना दिखा दिया सरकार में आकर के 17 महीने में, वो कहते हैं हम और जनरेट कर देंगे, 10 लाख कर देंगे। So, bhai, good question. Now, ab you'll have to give me, you are giving me good time anyways. Thank you. So, yes, the blueprint that I have, I'm already excited when I talk about these things. So, the blueprint that I have with me, ki Bihar mein kaise aap rozgar ko aap badhayein, Bihar mein kaise Bihar ke rajasv ko aap badhayein, Bihar mein kaise aap prati vyakti aaye, jab tak per capita income nahi badhegi, Bihar ke halaat garib parivaron ke behtar nahi honge, iske liye multi-directional approaches hain.
एक तो बिहार में अगर आप सरकारी ही पदों की अगर आप बात करें आज की भी तारीख में, और जिनका आप नाम ले रहे हैं भाई, सवाल भी उन्हीं से खड़े होते हैं क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं उनके परिवार में दो दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप बैकलॉग देखें सरकारी नौकरियों में, जिस तरीके से अभी भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, अगर आप उन्हीं पदों को अगर आप भर दें, एक सिग्नेचर से अगर आप उन्हीं पदों को भरना आप शुरू कर दें, तो आप इस संख्या को कई लाख आप आगे लेकर जा सकते हैं। पर वो भरे क्यों नहीं जाते, क्यों? क्योंकि बिहार के पास पैसा नहीं है, राजस्व नहीं है। समस्या यहाँ पर आती है कि भाई अगर आपने नौकरियां दे भी दी तो आप उनको सैलरी कहाँ से देंगे। ऐसे में ये दिस बिकम्स अ विशियस सर्कल। आपको पहले राज्य का राजस्व बढ़ाना होगा। आप राज्य का राजस्व कैसे बढ़ाएंगे, पहले तो आपको रिटेन करना होगा जितना भी ब्रेन ड्रेन, जितना भी माइग्रेशन होता है, जितने भी लोग आपके बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में जाकर जो वो पैसा खर्च करते हैं। मैंने कोटा का जिक्र किया, अब हजारों करोड़ रुपए भाई सालाना कोटा में मेरे बच्चे देते हैं वहां पे जाके। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, क्यों ये व्यवस्था मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, क्यों बिहार के अलग अलग जिलों को ऐसे एजुकेशनल हब्स हम लोग क्यों नहीं बना सकते, उसके ऊपर हम लोग को काम करने की जरूरत है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, हम लोग का प्रदेश भाई इतना सौभाग्यशाली प्रदेश है, वी आर सो ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। आपने कहा कि इतने विद्वान बुद्धिमान महापुरुषों की यह धरती रही है, गौतम बुद्ध की यह धरती रही है, भगवान महावीर की यह धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की यह धरती रही है, मेरी माता सीता की यह धरती रही है। भाई अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्यों नहीं उतना ही बड़ा मंदिर मेरी माता सीता का यहाँ सीतामढ़ी में बनाया जाता। आस्था एक तरफ, पर सोचिए इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। अयोध्या के आंकड़े किसी से छुपे नहीं है, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पे रेवेन्यू जनरेशन कितना होने लगा है उस क्षेत्र का। आप अलग अलग राज्यों में चले जाइए, अभी मैं 15 दिन पहले मैं शिरडी में था भाई, वो शहर पूरा बदल गया है। वो शहर आज की तारीख में एक विकसित सिटी बन गया है सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की वजह से। ऐसे में अगर आप माता सीता, ऐसे में अगर आप भगवान महावीर की धरती उज्जैन, ये लछवाड़ हो, वैशाली हो, इसको आप विकसित करें। गया को, बोध गया है, अगर आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर अगर आप उसको विकसित करें, 6 लेन के कॉरिडोर बने, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम का आशीर्वाद देने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए, ये 6 लेन का कॉरिडोर बने। रिलीजियस टूरिज्म को अगर आप प्रमोट करेंगे रेवेन्यू जनरेशन होगा, ये एक और एस्पेक्ट है। इसके अलावा कृषि प्रधान प्रदेश है भाई मेरा, यहाँ पर हम लोग उत्पाद तो करते हैं बट उसको ही पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, हाजीपुर में केले, छोटे छोटे बड़े फेमस यहाँ के केले हैं, केले आते हैं। अब आप सोचिए अगर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हम यहाँ पे लगा दें, वही केला डाउन साउथ जाता है केले का चिप्स बन के खूबसूरत पैकेजिंग में, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा दाम पे वो बिकने लगता है। बट अगर उसी की पैकेजिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे कर दी जाए तो किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आने लग जाएगा। ऐसे ही मखाना है, वर्ल्ड फेमस है भाई आज की तारीख में मखाना, और मेरे प्रधानमंत्री को मैं श्रेय दूंगा इस बात का कि उन्होंने उसको फेमस भी किया है। उसको अगर हम लोग प्रमोट करने लग जाए तो कृषि से जुड़ी हुई इन सारी चीजों की प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लग जाए, पैकेजिंग होने लग जाए, तो किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। बुनकर, एमएसएमई इतना बड़ा सेक्टर है मेरे प्रदेश का, अगर उसको हम लोग प्रमोट करने लग जाए, ये मधुबनी पेंटिंग्स आज की तारीख में फैशनेबल भी हो गई है। आप इस पे कपड़ों पे इसका इस्तेमाल होता है, पेंटिंग्स होती हैं, सारी ड्रेसेस बनती हैं इसको। इसको अगर एक बड़े लेवल पे अगर हम लोग प्रमोट करने लग जाएं, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। एक और, हमारा बिहार प्रदेश भाई आधा समय तो बाढ़ में और आधा समय सुखाड़ में डूबा रहता है, और ये हम सब, मैं बहुत सी चीजों में भविष्यवक्ता नहीं हूं बट मैं बता सकता हूं कि अभी से 3 महीने के बाद मेरे प्रदेश में फिर बाढ़ आने वाली है। बाढ़ को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन की हम लोग को जरूरत है। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स हम लोग को करने की जरूरत है, नदियों को जोड़ने की योजना पे काम करें ताकि आधा प्रदेश जो बाढ़ से प्रभावित रहता है वहां से कैनाल्स बनाए जाए और पानी को डाइवर्ट किया जाए उन इलाकों में जो कि सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं, उससे सिंचाई की समस्या का हल होगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, किसानों को उससे सहूलियत मिलेगी। एंड एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, हम लोगों को इन्वेस्टर समिट करने की जरूरत है। पर इन्वेस्टर समिट का लाभ हम लोगों को कब होगा, वो तब होगा जब हम लोग बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे। जब तक कोई राज्य में अगर आपकी जान माल को उसकी सुरक्षा ही नहीं किसी को महसूस होगी, तब तक कोई आपके राज्य में क्यों आएगा। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम लोग को प्रोवाइड करने की जरूरत है, ईज ऑफ बिजनेस देने की जरूरत है। आज भी
पुराने जमाने के लैंड लॉस हम लोग के यहाँ चल रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स की हम लोग को जरूरत है। आज भी जमीन खरीदने में बिहार में बहुत कठिनाइयां आती हैं और ये सारी चीजें मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने लिखी है। वो लैंड रिफॉर्म्स की हम लोग को जरूरत है ताकि निवेशक आए, निवेश करें, 5-star होटल्स खुलेंगे, रिजॉर्ट्स खुलेंगे यहाँ पे, बड़े बड़े अस्पताल खुलेंगे। वो तब खुलेंगे जब हम लोग जमीन उनको मुहैया करा पाएंगे। तो ईज ऑफ बिजनेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हो, ये मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। आप चाहेंगे मैं इस पे और 2 घंटा बोल सकता हूँ, बट इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। ये वो विजन आगे लेकर मैं आपकी विजन मैंने सुनी और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए दिमाग में सोच के एक समाधान की सोच और समाधान को जमीन पे उतारना, ये दो एकदम ही अलग अलग। ये वो बिहार है जहां निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गिर जा रहे हैं, ये वो बिहार है जहां पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब रहती है सड़कों की कि उसमें एक बाढ़ में या एक बारिश हो तो उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ, यहाँ पे बांध चूहे कुदर जाते हैं, ये तमाम उदाहरण आते हैं हम लोग के साथ। शराब चूहे पी जाते हैं, मतलब बिहार बिहार अनोखा है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को और उनके गठबंधन को रोका किस चीज ने है ये सब करने से? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, दैट पावर। एक सांसद की अपनी सीमाएं हैं भाई, एक सांसद एक हद से ज्यादा नहीं जा सकता। और आपको बताइए कि राज्य सरकार का हम लोग हिस्सा हम लोग रहे ही नहीं है ना के बराबर। बीच का एक 1.5 साल का उसमें भी मेरे चाचा ही थे, वो अगर आप समय छोड़ दें तो हम लोग सक्रिय तौर पर या एक अथॉरिटेटिव वे में हम लोग राज्य सरकार का हम लोग हिस्सा नहीं रहे हैं। ऐसे में जब फिर वही घुमा फिरा के वही बात आती है, जब मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे लड़ना है ज्यादा सीटों पर, सीटें चाहिए, तो फिर कहा जाता है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, फिर कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी हो रहा है। बट जो विजन है मेरे पास उसको मैं इनकॉर्पोरेट तभी कर सकता हूँ या तो जब मेरी सोच वाली सरकार हो। मैं मानता हूँ भाजपा और लोजपा हम लोग का इतना हम लोग वी आर इन सिंक कि अगर ऐसी सरकार हो तो मैं बहुत सी चीजों को मैं धरातल। अब इसका भी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरी ही लोकसभा में भाई 25 साल हो गए थे जमुई को जिला बने हुए, 2014 में जब मैं पहली बार वहां पर गया था, अभी तक मेरी लोकसभा में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। अब एक सेंट्रल स्कूल एक बड़ी बात होती है आम लोगों के लिए कि अरे मेरा बच्चा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, वो केंद्रीय विद्यालय नहीं था। एंड क्योंकि मैं शिक्षा को महत्व देता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे लिए भी जरूरी था कि भाई केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। अब मैं जमीन लेने लगा वहां पे, फिर मुझे सरकार राज्य सरकार से जमीन नहीं मिली क्योंकि जिन लैंड लॉस की मैंने बात की कि यहाँ पे कैसे हैं, स्थानीय प्रशासन से बल्कि मेरी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुई। एंड उस वक्त के डीएम साहब ने ये तक कह दिया कि सांसद झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं आएगा। तो ये सारे इश्यूज होने लगे उस वक्त। फिर मैं केंद्र के पास गया, मुझे पता चला कि भाई रेलवे की एक जमीन यहाँ पे पड़ी है खाली काफी समय से। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी थे, मैं सुरेश प्रभु जी के पास गया, मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आप मुझे जमीन दे दें, मैं केंद्रीय विद्यालय इस पे खुलवाना चाहता हूँ। तो वो जमीन उन्होंने ट्रांसफर की एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास। उस वक्त स्मृति ईरानी जी थी, उस वक्त एचआरडी मंत्रालय होता था, तो उस वक्त एचआरडी मंत्री स्मृति जी थी। तो फिर उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मैं आपको रेलवे की जमीन दूं आप उस पर खुलवा देंगी? बोली कि तुम मुझे कोई भी जमीन दे दो मैं खुलवा दूंगी, पर तुम मुझे जमीन दो। तो फिर ये इस तरीके से हमने ट्रांसफर किया। तो एक सांसद उस स्तर पे तो मैं चीजों को कर सकता हूँ, बट बेसिक धरातल, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना, एजुकेशनल हब क्रिएट करना, ये फिर स्टेट के विषय हैं, ये राज्य सरकार के विषय हैं। ऐसे में राज्य सरकार में जब तक एक मजबूत पोजिशन पे मैं नहीं आऊंगा, उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब यही मुझे याद है, एक इंटरव्यू में आपने बहुत पहले ये बोला था कि चलिए ठीक है हम लोग किसी गठबंधन में नहीं है, इस चलते कम से कम पूरे राज्य भर में LJP का एक काडर तैयार होगा, एक जमीन तैयार होगी। तो क्या चिराग पासवान उस विस्तारवादी सोच में आगे बढ़े हैं या फिर अभी भी, क्योंकि आप दोबारा गठबंधन में आ गए हैं तो आप लोकसभा में 4-5 सीट और विधानसभा में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगेन आई डोंट वांट टू डू, भाई कोई संख्या बोल मत कीजिएगा नहीं तो गठबंधन उसी संख्या में मान देता है मुझे। नहीं मैं नहीं करूंगा लेकिन आपकी जो सोच है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है दैट यू वांट टू बार्गेन फॉर मच मोर देन, मतलब एक गठबंधन में कुछ सीटों पर रह करके चिराग पासवान नहीं रहना चाहते। 2020 में भी वो दिख रहा है। ट्रस्ट मी आई वोंट बाइट more than what I can chew.
मैं उतना ही करूंगा जितना मैं कर सकता हूं, और मैंने हमेशा उतना ही किया है। गठबंधन में ये लिमिटेशन जरूर आती है, आपको सीमाओं में बांध दिया जाता है, एक सर्टन संख्या में आपको बांध दिया जाता है। बट मैं मानता हूं कि गठबंधन में अगर आपके अलाय पार्टनर्स की भी लाइक माइंडेड सोच है तो जरूर आप उस सीमित संख्या में भी आप चीजों को आप पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये स्पेस मैंने हाल फिलहाल में मैंने फील करनी मैंने शुरू की है कि कुछ चीजें अगर मैं गठबंधन के सामने भी रखता हूँ, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल का जो संघर्ष रहा और जिस तरीके का जन समर्थन इस दौरान मुझे मिला है, तो अब मैं वो स्पेस फील करता हूँ गठबंधन के भीतर भी अपनी बातों को रखने का। चिराग जी, मैंने एक चीज नोटिस की और ये की कि आप जब अपने आप को विस्तार होते हुए या ग्रो करते हुए देखते हैं या जब उसके बारे में बात करते हैं, इस पूरी बातचीत में आप अपने आप को रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को रखते हैं, लेकिन बहुत कम इस पूरे इंटरव्यू में और वैसे भी मैं देखता हूं आप नीतीश कुमार को रखते हैं। बहुत Why are you doing this to me? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सहज रिश्ता ज्यादा मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है। Like how I'm more comfortable talking to you, अगर मतलब इतने candidly मैं कितनों के साथ और ऐसे इंटरव्यू में बात कर सकते, बहुत कम। तो एक कंफर्ट जोन आता है, तो वो मेरे प्रधानमंत्री जी मुझे देते हैं और वो मुझे मिलता है। Having said that, जैसा मैंने कहा कि अब वो स्पेस मैं फील करता हूँ गठबंधन में भी, सो टू करेक्ट माई सेल्फ, मुख्यमंत्री जी भी वो स्पेस हम मुझे देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं, क्योंकि आपने ये रूहानी नाते की बात की और वो द कम्फर्ट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो कि इट बिकेम अ ह्यूज इशू ऑफ डिसकंफर्ट उन सभी लोगों के लिए जो 12 जनपद में गए थे। वो घर चिराग पासवान के लिए क्या मायने रखता है? वो घर जहां पर मुझे याद है कि जब आपकी पहली फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ था, रामविलास पासवान जी का ये स्टैचू लगा था, ये घर आपके लिए क्या प्रतीक है जो अब आपके पास नहीं है? मतलब बहुत मायने रखता था भाई, मैं 34 साल उस घर में रहा हूं एंड एट द एज ऑफ 40 देन, नॉट नाउ, आई एम मोर 40, एट द एज ऑफ 40 देन 34 साल मैं उस घर में रहा हूं भाई, और वो 34 साल की यादें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। घर का हर एक कोना आपको रटता है, आपकी यादें खट्टी मीठी अच्छी बुरी सब उस घर से ही जुड़ी होती है। इस घर में आग भी लग गई थी ना एक बार चिराग जी? दो बार उस घर में आग लगी थी भाई। एक बार 91 की ये बात है, उस वक्त भी जनरल इलेक्शन चल रहे थे एंड बिकॉज वी शेयर द सेम व्हाट वी यूज्ड टू शेयर द सेम बाउंड्री विद गांधी इज ऑल्सो, सो उस वक्त राजीव गांधी जी की उनका असैसिनेशन कर दिया गया था एंड उस आक्रोश में एक जन समूह घर के अंदर घुस आया था और उस वक्त आग लगा दी गई थी घर पे। एक बार वो और एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया था तो उसकी वजह से भी आग लगी थी, तो दो बार उस घर में ऐसे हादसे हुए। तो वही अच्छी बुरी सारी यादें हम लोग की उसी घर की ही हैं और ऐसे में 34 साल की उन यादों को संजो कर मात्र 3 घंटे में उस घर से निकल जाना किसी के लिए भी भाई आसान नहीं होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हूँ, ह्यूमन ही हूँ और वो फीलिंग्स हैं, तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है, बट फिर जिंदगी है, सो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, आपको आगे बढ़ना है। अब या तो मैं उन्हीं बात को पकड़ कर बैठा रहता, रोता रहता कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, क्यों ये क्यों वो, और या फिर मैं मूव ऑन करता और फिर आगे अपनी नई मंजिलों की तलाश करता जो मैंने किया। और हाँ, और ये बात भी मैंने बहुत ही विनम्रता से मैंने कबूल की कि उस घर का मैं हकदार नहीं था, तब नहीं था, अब अपने आप को इतना मजबूत करूंगा कि उसका मैं हकदार खुद बनूं। उस वक्त इस घर पे रहता भी तो अनुकंपा पे रहता, मेरे पिता को भी वो अच्छा नहीं लगता, अब जब कभी जाऊंगा तो अपनी बुनियाद पर जाऊंगा। 12 जनपद जाना चाहते हैं आप चाहते हैं ये घर वापस? मैं ऑनेस्टली ना, अब मैं अपने आप को किसी बेड़ियों में नहीं बांधना चाहता, मैं किसी बंदिशों में नहीं बांधना चाहता। मुझे लंबी एक तो मुझे राजनीति शब्द नहीं अच्छा लगता, बट मुझे एक लंबे राह पर आगे जाना है,
राजनीति नहीं तो कर्तव्य नीति मैं बोलूंगा, मुझे उस पर अभी बहुत कार्य करने हैं, आगे जाना है, तो मैं अपने आप को बांधूंगा नहीं भाई किसी चीज में। बहुत पॉलिटिक्स होती है इसमें, मैं राजनीति शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बहुत राजनीति होती है इन सब चीज़ों में, घर गाड़ी घोड़ा भौकाल पानी को लेकर बहुत चीज़ें वो होती हैं। सो मैं किसी चीज़ में अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहता, मैं जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मुझे वो फ्रीडम मिले, तो मैं ये घरों की राजनीति बंगलों की राजनीति में अब अपने आप को नहीं कभी बांधूंगा। छोटे घर में रहूंगा, अपने घर पे रहूंगा। बहुत खूब, मतलब 12 जनपद एक इतिहास की तरह आपके उसमें रहेगा, जहन में खूबसूरत यादों के साथ रहेगा। हाँ, पापा की सारी यादें वहीं की है भाई। आई डोंट हैव एनी अदर मेमोरीज ऑफ माय फादर एक्सेप्ट दैट हाउस, बिकॉज उससे पहले मैं छोटा ही इतना था। उससे पहले हम लोग 12 राजेंद्र प्रसाद रोड में रहते थे। उस घर में भी आग लग गई थी, 84 के दंगे हुए थे। आपका रिश्ता है, आई एम जस्ट रिलेटिंग टू इट। उस घर में भी आग लग गई थी, 84 के दंगे हुए थे, तो उस वक्त भी एक मॉब घर में घुसाया था। एंड संजोग से वो मेरा जन्मदिन भी होता है, 31 अक्टूबर का मेरा जन्म है। अच्छा। और उसी दिन इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो वो एक मॉब घर में घुसाया था एंड ऑल दैट। सो तो उस वक्त वहां से फिर हम लोग somehow we escaped, एंड फिर बहुत समय तक हम लोग बीपी हाउस में फॉर अ वाइल हम लोग रहे थे। फिर उसके बाद ये सब बातें मुझे बताई गई हैं, आई डोंट हैव मेमोरी। थोड़ी बहुत याद है तो साउथ एवेन्यू की है, 40 साउथ एवेन्यू, 40 नंबर का ऊपर का मकान होता था साउथ एवेन्यू में, तो फिर उसमें हम लोग रहते हैं। दैट वाज द टाइम व्हेन पापा लॉस्ट इलेक्शंस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 84 में हुए थे इंदिरा जी की, उसके बाद तो वो हार गए थे। तो 89 तक हम लोग 40 साउथ एवेन्यू में रहते थे। तो 88-89 आते आते तक मैं 6-7 साल का मैं हो रहा था, तो वो थोड़ी फ्लैशेस जरूर साउथ एवेन्यू के हैं, बट फिर 89 के बाद से फिर हम लोग 12 जनपद में थे। और एंड टू लेट इट गो, मुझे वो तस्वीरें भी याद हैं जब वो पेंटिंग्स बाहर आ रही थीं और जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे। हाँ, और सोफे बाहर, मुझे मेरे ख्याल आपने ट्वीट भी किया था उसको, या किसी कुछ तो याद आ रहा है, या आपने या किसी और ने कि ये सब फर्नीचर बाहर आ रहा है। बहरहाल एक ही मैंने ट्वीट किया था जब हम लोग घर से गए थे और मेरे पास क्योंकि और कोई जगह नहीं थी, एंड थैंकफुली माय नाना हैड हिज हाउस, एंड तो हम लोग मेरे नाना उस वक्त नहीं थे, नानी जी थी, तो हम लोग नानी के घर पे हम लोग गए थे। और उस वक्त मैंने अच्छा, क्योंकि उस रात, अब कितने संजोग एक साथ आते हैं, उस रात मेरे जीजा जी का जन्मदिन था जो अभी जमुई से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जन्मदिन था, और उतनी खुशियों के साथ हमने उस रात उनका बर्थडे प्रिंगिन था, तो हम लोगों ने केक काटा था, सब किया था उस दिन। 31 मार्च की बात है, तो हम लोगों ने रात में केक काटा, तो उस वक्त मैंने एक ट्वीट किया था कि खुशियां दीवारों से नहीं होती, अपनों से होती हैं। तो उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये ईंट पत्थर के बने हुए मकान कोई मायने नहीं रखते अगर आपके अपने ही नहीं है वहां पर। और अब मेरे फादर नहीं है, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा, मेरे भांजे भांजी, मॉम, अगर हम ही लोग साथ नहीं है, खुश नहीं है, तो आप मुझे बड़े से बड़े राजमहल में भेज दीजिए, क्या मतलब है खाली दीवारों को देखने का। छोटे घर में रहे, खुशियों से पूरा परिवार रहे, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। ऑल्सो सबसे बड़ी बात चिराग जी, वो 12 जनपद आपका अपना मकान नहीं था, सरकारी निवास था जो कि आपके पिताजी को दिया गया था, राइट? और क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि मेरी यादें तो हैं लेकिन मैं अभी शायद इसका हकदार नहीं हूं, क्योंकि ये आपका मकान नहीं है, ये सरकारी मकान है, और क्योंकि क्योंकि अब वो नहीं रहे, तो इस वजह से ऑब्वियसली दिस विल गो बैक टू द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही भाई। और मतलब ठीक है, इमोशंस एक तरफ है, बट आपको प्रैक्टिकल होना होगा। आप मतलब भावनाओं में आप नहीं अपने आप को बांधे रख सकते हैं। सो इवेंचुअली समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू और जिसके आप हकदार नहीं है, मैं उसका हकदार, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक दिन उस काबिल बनूंगा, दोबारा जाऊंगा, बट उस वक्त तो मैं कतई उसका हकदार नहीं था, उसका उसके उसके काबिल बिल्कुल नहीं था। वो पापा की वजह से था, एंड आफ्टर पापा उसको सरकार के पास वापस जाना ही था। मेरा आखिरी सवाल, मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत समय ले लिया चिराग जी, लेकिन आपकी माता जी का इन्फ्लुएंस इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आज खास तौर से जो 4 साल का पीरियड आपका रहा जिसमें रामविलास पासवान जी की डेथ के बाद और उसके बाद जो राजनीतिक रूप से उठापटक आपने देखी, आपको लगता है कि ये सब आप अपनी माताजी के समर्थन के बिना ये
धैर्य का परिचय दे सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. शी इज बीन माई स्ट्रेंथ एंड शी इज बीन बीन अ स्ट्रेंथ टू माई फादर ऑल्सो. इस बात को आप भी जानते हैं भाई, आपका भी पापा के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता रहा, एसोसिएशन रहा. पापा के भी पीछे मजबूती से कोई खड़ा था और पापा इस बात को कई बार बोलते भी थे कि मैं खुल के बाहर काम कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे घर की चिंता नहीं है. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, मेरे बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, बच्चे ठीक हैं कि नहीं. इतनी खूबसूरती से मॉम, एंड शी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर मी, माय सिस्टर, माय फादर, अपना करियर, अपना प्रोफेशन. उन दिनों दूरदर्शन में न्यूज रीडर एक बहुत बड़ी बात होती थी, एंड यू नो शी वॉज ऑलमोस्ट सिलेक्टेड फॉर दैट, बट फिर दे मेट एंड दे वर इन लव एंड फिर शादी कर ली, एंड देन मॉम लेफ्ट एवरीथिंग. सो शी सेक्रीफाइस, शी वॉन्टेड टू बी एन एयर होस्टेस ऑल्सो. तो ये सारी चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस की सिर्फ हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, पापा के लिए. And hats off to her brain. मतलब she is so sharp, so intelligent. I can't even tell you. पापा की के करियर के पीछे भी, उनके decisions के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था. And the best part with her is that she is media shy. वो कभी सामने नहीं आती, कभी बहुत ज़्यादा public उसमें वो दिखेंगी नहीं. तो ये best part कैसे हो गई? हाँ, ये बेस्ट पार्ट कैसे हो गया? आई थिंक मैं फ्लो फ्लो में बोल गया. मे बी मैं उनकी तरफ से सोच रहा था, बिकॉज़ शी थिंक्स ये बेस्ट पार्ट है कि मैं पीछे से सब संभाल लेती हूँ, बट सामने नहीं आती. तो इसीलिए अभी भी जैसे राज्यसभा का भी चल रहा था, एंड मी एंड एनडीए में भी सब चाहते थे कि वो यू नो राज्यसभा जाए, बट देन शी वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सक्रिय राजनीति में नहीं आना. बट मोर देन दैट, शी इज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. Even when Papa left us, you know, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को होल्ड अप किया, भाई मैं टूट जाता अगर मैं, अगर मॉम को मैं टूटते हुए या बिखरते हुए देखता. उस वक्त भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा, इस पूरी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को संभाले रखा. मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आईं, प्रॉब्लम्स आईं, बट एक बार भी वो लेडी ना परेशान हुई, बल्कि मेरी हिम्मत बनकर बार बार मुझे विश्वास देती रही कि अरे तुम कर लोगे, तुम कर लोगे. एंड देन आई मेड दैट प्रॉमिस टू हर कि आई विल, मैं करूंगा. जो भी चीजें हम लोग के हाथ से गई हैं, मैं हर वो चीज आपको वापस ला के दूंगा. एंड टुडे शी इज अ प्राउड मदर, शी हग्स मी एवरी टाइम. ऐसा वादा किया है आपने उन्हें? मैंने उन्हें ये प्रॉमिस किया था. आई रिमेम्बर 13 जून 2021 की वो रात, जब मीडिया के माध्यम से ही वो तस्वीरें दिखी थी, जब पार्टी में टूट हुई थी और मेरे पार्टी के 5 सांसद एक साथ स्पीकर साहब के पास गए थे और उन्होंने मुझे पार्टी से अलग करने का ऐलान किया था, और उसके एक के बाद एक सारी चीजें होती गई, परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी एंड सब. सो आई रिमेम्बर आई वॉज इमोशनल. मैं हूँ थोड़ा इमोशनल और मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने इमोशंस को. बॉयज डोंट क्राई बट आई डू, तो मैं कभी कभी मैं करता हूँ. And ये opportunity मैं mom के सामने बहुत ज़्यादा लेता हूँ. So I hugged her and I was emotional. And that time she gave me so much of strength. She like, अरे you are there. And she is very strong that way. You know, you will बहुत कम आप उनको ऐसे breakdown करते हुए देखेंगे या कुछ. तो उस वक्त she gave me that strength and I made this promise to her then कि जो जो चीज़ें हम लोग के हाथ से गई हैं, मैं आपको सब ला कर दूंगा. पार्टी को वहीं पर लेके जाऊँगा जहाँ पे पापा देखना चाहते थे, परिवार, घर, सब कुछ वैसे ही दूंगा. And today she is a proud mother, and that gives me so much of happiness. क्या बात, क्या बात, बहुत खूब. आपको लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो सांसद हैं या जो विधायक हैं या फिर चाचा जी हो गए, एक ऐसी स्थिति आएगी जब चिराग पासवान अपना परिवार वापस एक साथ देखेंगे? और इसमें एक तो चीज होती है, सपोज कोई आ रहा है और कह रहा है कि मुझे साथ आना है, उसमें द स्ट्रेंथ टू फॉरगिव, क्या वो चिराग पासवान में है? भाई है मुझ में, और मेरे आसपास वाले डरते भी इसी बात से हैं. मैं हूँ इमोशनल और मैं करता हूँ, माफ कर देता हूँ, भावना में बह जाता हूँ. बट भाई मेरे साथ आप 100 गलतियां कीजिए, 100 गुनाह कीजिए, मैं शायद आपको माफ कर दूंगा. बट एक चीज जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे पिता के बारे में, मेरी माँ के बारे में अगर किसी ने कुछ गलत बोला, वो मैं मरते दम तक मतलब कभी मैं माफ नहीं कर सकता. मतलब दिल से मैं कभी नहीं कर सकता उन चीजों को माफ. मुझे तकलीफ इस बात की रहती है कि
आप जाइए ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मैं हूं भाई इस बात का पक्षधर, महत्वाकांक्षाओं में कहीं कतई कोई बुराई नहीं। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप होइए महत्वाकांक्षी, आप होइए स्वार्थी, आप कीजिए अपने स्वार्थ में जो करना है, बट उसको करते हुए आप ब्रिजेस को बर्न मत कीजिए। आप इतनी गुंजाइश तो छोड़िए कि कल को कभी अगर हम लोग सामने आए या वापस मिलने की बात हो तो वो आंखों की शर्म बरकरार रहे, वो मर्यादा बरकरार रहे। मेरे चाचा जी के साथ मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप मुझे एरोगेंट बोलिए, आप मुझे घमंडी बोलिए, आप मुझे डिक्टेटर बोलिए, आप मुझे सब बोल दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए कि मैं आपका खून नहीं हूं, आपने सब कहा, मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी माँ आपकी भाभी रही थी, आप उन्हें चिराग की माँ नहीं बोल सकते। आप उनके बारे में जिक्र करते हुए आप नहीं बोल सकते कि वो चिराग की माँ ने ऐसा किया, चिराग की माँ ने, शी लव्ड यू एज अ सन, एक बेटे की तरह उन्होंने आपसे प्यार किया। आज सिर्फ एक मंत्री बनने के लिए आप उस रिश्ते तक को आप भूल गए। मेरे पिता के जाने के बाद जब मेरी माँ को सबसे ज्यादा जरूरत इसी परिवार की थी, जिस परिवार के लिए उन्होंने अपने जीवन के 34 साल दिए भाई, और उनको शी हैड टू वर्क एन एक्स्ट्रा माइल, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने थे बिकॉज वो पंजाबी थी, दूसरे कम्युनिटी से आती हैं, सब आती हैं, तो शी हैड टू वर्क एन एक्स्ट्रा माइल, और उन्होंने वो किया। हम लोग घर पे मजाक उड़ाते थे, एकता कपूर के सीरियल्स आते थे, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम लोग यही मजाक उड़ाते थे कि अरे आप क्या तुलसी पार्वती बने रहते हो, घर जोड़ना, ये करना, वो करना, बट शी डिड दैट एंड शी डिड दैट हैप्पीली, शी सेक्रीफाइज एवरीथिंग हैप्पीली जस्ट टू हेयर दिस एंड जस्ट टू बेयर दिस, कि पापा के जाने के बाद जब सबसे ज्यादा उनको मेरी चाचियों की जरूरत थी, मेरे कजन्स की जरूरत थी, चाचा की जरूरत थी, उस वक्त आप लात मार रहे हैं और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा कजन जिसको मैं अपना बेटा मानता हूँ, वो मेरी माँ का नाम लेकर उनको संबोधित कर रहा है, और वो भी गलत नाम। ही कॉल्स हर रीना शर्मा पासवान ऑन नेशनल चैनल्स, ये एक बेटा हो सकता है, और वो भी रीना, वो पंजाबी है, हर कोई जानता है, सरदारों में शर्मा कोई टाइटल नहीं होता है, सरदारों में पगड़ी बांधने वाले सरदार सिंह कौर लेडी सब कौर लिखती हैं, ये उनका कोई टाइटल ही नहीं है। आप गलत टाइटल लेकर आप मेरी माँ के नाम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने गुंजाइश कहाँ छोड़ी। और जब भी मुझसे सवाल पूछा जाता है कि परिवार एक, मैं कैसे भूल जाऊं इन सारी चीजों को भाई, मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी माँ को आपने कितना अपमानित किया। मैं हूं ना सार्वजनिक जीवन में, मैं खाऊंगा सारी गालियां, आप दीजिए मुझे जो बोलना, मुझे उनका क्या लेना देना जब वो सक्रिय राजनीति में ही नहीं है, जब उनका कुछ इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं। तो ऐसे में जब ये हो जाता है तो अब इतना भी महान नहीं हूं कि मैं ये सब भी भूल जाऊं, इतना नहीं हूं। चिराग पासवान जी, यू आर सो कैंडिड कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत रेयर होता है ये किसी नेता को ऐसे देखना कि वो बहुत खुल करके बात कर रहे हैं और शब्दों को नाप तोल के बात नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी एक परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, जो बाय द वे आपके फादर बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे आपके इस कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने कई बार हमको संसद भवन में ये चीज बोला था। एक वो फोटो भी है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, जब आप उनके साथ वॉक कर रहे थे पार्लियामेंट में, लेट्स सी इफ वी कैन पुट दैट पिक्चर। वो मतलब कंटिन्यूसली एक नजर उनकी आप ही की तरफ रहती थी। तो भाई ही लव मी सो मच एंड बाद में देखिए ये सामने दिस पिक्चर्स, ही लव मी सो मच। एक पिक्चर आएगी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप जरूर देखिएगा, वो आएगी। ये तो आप उनको कुछ खिला रहे हैं, उनका जन्मदिन और एक फोटो ये वाली। यस, मेरे ख्याल ये आप संसद भवन में बस घुसे ही हैं, पहला दिन और वो आपको देख रहे हैं, सीढ़ियों पे पहली बार पांव रखने ही वाला था, एंड ये उस वक्त की पिक्चर है। ये गेट नंबर वन भाई, पुराने गेट नंबर पुराने संसद भवन। करेक्ट, पर वो ये मैं कह रहा था, ही वाज अ प्राउड फादर, ही लव्ड मी सो मच भाई। अब इस एक बेटे के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य बोल लीजिए या बुरा या कठिन क्या होगा। आई टू फाइट फॉर माई फादर्स नेम, मुझे इस बात को प्रूव करना पड़ता था कि पापा मुझसे प्यार करते थे कि नहीं, क्या पापा मुझे अपना मानते थे कि नहीं। ये कहा जाता था मेरी मॉम के बारे में, मेरे ही परिवार के लोगों से, कि अरे वो तो चिराग पे भरोसा करते ही नहीं थे, वो तो चिराग की माँ को मानते ही नहीं थे, वो तो सबसे ज्यादा प्यार हमसे करते थे उत्तराधिकारी। मतलब इमेजिन, उनके जाने के बाद इन सारी चीजों को मुझे सुनना पड़ा। मैं पापा के जाने पर दुखी हूं कि भी नहीं, मैं दुख को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं कि नहीं, वो भी पैरामीटर्स जज किए जा रहे थे। बट यार, जो अपने हैं उनको मुझे कुछ प्रूव करना नहीं पड़ा, आपको मुझे एक बार नहीं बोलना पड़ा कि पापा मेरे लिए क्या भावना रखते थे, क्योंकि उन्होंने हर बार आपके सामने एक्सप्रेस की। सो एटलीस्ट आई हैव
someone like you and very few more other like you जो मेरे साथ unconditionally रहे, जिनको मुझे कभी explain नहीं करना पड़ा कि ऐसा क्यों। चलिए चिराग पासवान, 19 अप्रैल प्रथम फेज में आपका जमुई चुनाव में जा रहा है और उसके बाद इन चुनावों के लिए ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं नतीजा क्या आएगा और आप अपना जो भी आपका विजन है जो आपने यहाँ पर बयान किया है, ये बहुत लंबा इंटरव्यू रहा जिसमें मेरे ख्याल से दर्शकों को चिराग पासवान क्या है उसका एक आइडिया मिला होगा, उनको समझ में आया होगा कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं बिहार में और बिहार के बाहर। आप वो पूरा कर लें और बिहार समृद्ध हो जाए, मतलब इससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती है, क्योंकि वो स्टेट को देख करके बड़ा दुख लगता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है उसकी, वो भयंकर दयनीय स्थिति देख करके। लेट्स होप थिंग्स चेंज, आप करें या कोई भी करे, जो इस बदलाव के साथ हो उनको समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।